राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करिए दोस्तों, आपने आज तक नहीं खाई होगी। अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए, मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे, मेरे पास कुछ नहीं पड़ा था, एक ब्रेड पड़ी थी और थोड़े से यहाँ मटर के दाने पड़े थे, तो आज मैंने उससे बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाई। यकीन करिए दोस्तों, इसके आगे कचौड़ी पकौड़ी सब भूल जाएंगे। और ये गेहूं के आटे से बनाएंगे, बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बनेगा, एकदम क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता बनेगा। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए हम वीडियो लाते हैं, तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि थोड़े से लोग जुड़ जाते हैं जब भी मजा आता है वीडियो बनाने में। तो आप सबको पता है मैं बस इसलिए थोड़ा सा कई बार हमारे साथ हो जाता है, व्यू नहीं आते हैं, आजकल फेसबुक पे गड़बड़ चल रहा है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड लिया जैसे कि आप देख रहे हैं, और आधा कप मटर ली थी। आधा कप मटर से मैंने इसको दरदरा सा इसे मैंने पीस लिया था मिक्सी में डालकर। तो आप देख सकते हैं महीन भी पीस सकते हैं, और मैंने बिल्कुल दरदरा छोटा छोटा सा इस तरह से पीसना है, बहुत ज्यादा नहीं पीसना है। तो यहाँ मैंने इसको दरदरा सा इस तरह से पीस लिया था। और चलिए अब वीडियो के हम आगे पार्ट की तरफ चलते हैं, और बहुत ही मजेदार होने वाली है जैसे मैं आपको कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या करा है, और थोड़ी सी अब इसमें हम प्याज डालेंगे, और यहाँ मैंने डेढ़ कप पानी डाला है। तो यहाँ डेढ़ कप पानी डाल रही हूँ, और डेढ़ कप पानी डालकर यहाँ पे आप गर्म ठंडा कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ डेढ़ कप पानी डाल दिया था, और साथ में हमने एक छोटा सा प्याज लिया है। आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं, यहाँ आप लहसुन भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि आप बिना प्याज के बनाएंगे तो बनेगी नहीं। थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक, ये सब चीजें भी मैं डाल रही हूँ। तो ये सब चीजें डालने के बाद में अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च ली है जैसे कि आप देख रहे हैं, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर लिया है। मसाले आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं, जो भी मैं डाल रही हूँ, और अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आप लोग जुड़ते जाएं तो कमेंट करते जाइए, पर अभी मेरे को आप सब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए, जिससे कि आप उसकी नोटिफिकेशन देख सकें। तो आपकी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है तो आप जल्दी जल्दी से आ सकते हैं। तो मैंने ये मसाले भी डाल दिए इसमें, और सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे आप देख रहे हैं। और ब्रेड डालते पानी में सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही मजेदार बनेगा। तो यहाँ पे अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप इस तरह से बना के खिला सकते हैं, बहुत ही सस्ता और अच्छा सा नाश्ता बनके तैयार होता है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप गेहूं का आटा लिया है, जैसे मैंने आपको कहा था हेडलाइन में दिखाया था। तो यहाँ मैंने आधा कप गेहूं का आटा लिया है, इस गेहूं के आटे को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आधा कप में से दो चम्मच मैंने बचा लिया है, और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दो चम्मच यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है। आप मैं यहाँ चावल का आटा डाल रही हूँ क्रिस्पी के लिए, आप चाहे तो यहाँ पे सूजी भी डाल सकते हैं। तो दो चम्मच यहाँ पे मैंने सूजी डाली है जैसे कि आप देख रहे हैं। और यकीन करिए दोस्तों, अगर आपने इस तरह से एक बार बना लिया तो आप हर बार बनाना चाहेंगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हरा धनिया भर भर के डालेंगे उतना ही टेस्टी नाश्ता बनेगा। तो यहाँ आप देख लोगे मैंने कितना ज्यादा हरा धनिया भी डाला है, और इन्हें सब चीजों को हमें मिक्स करना है। और इसे हमें बिल्कुल भी बिना हाथ लगाए, आज हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, बस डंडे से ही काम करेंगे। बहुत ही यम्मी टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा। हमारे संग स्मृति जी, अंकित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे जो इस तरह से मैंने घोल तैयार करा है, आप देख रहे होंगे कैसा हमारा बैटर तैयार हो रहा है। और जो यहाँ मैंने दो चम्मच आटा बचाया था ये भी मैं डाल दे रही हूँ, तो आधा कप टोटल हो गया है। और अगर आपको थोड़े से पानी की कमी लगे तो आप पानी डाल सकते हैं।
और सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी नमक रहता है तो नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार से ही डालिएगा, ये वो देख लीजिएगा आपको कितना नमक पसंद है उस हिसाब से। अब यहाँ पे हमने सफेद तिल लिए हैं तो 2 चम्मच यहाँ पे मैं सफेद तिल डालूंगी। हमारे संग आकाश गुप्ता जी भी जुड़े थे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ मैं सफेद तिल ले रही हूँ इस तरह से। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी बनाने के। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया, ठीक है, मैं समझी हल्दी पाउडर हमारा रह गया है। तो यहाँ बस इस तरह से तैयार करना है, सब चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अच्छे से कर लेंगे। आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं तो अपने कमेंट में बताते जाइए कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं और अपनी सिटी का नाम, अपना नाम लिखते हैं और लाइक कमेंट करते हैं, वो भी हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें अच्छे लगते हैं। दोस्तों अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बस अब हमें इसी तरह से तैयार करना है, आप देख रहे होंगे इस तरह से गाढ़ा सा बैटर है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ही तैयार करना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी नाश्ता बनाने में। तो यहाँ आप तो अब यहाँ पे हमारे संग सुधा गर्ग जी जुड़ चुकी हैं, साधना जी जुड़ चुकी हैं और रेखा जी ने मैंने ब्रेड का सारा नाश्ता एक ब्रेड से, हाँ जी रेखा जी मैंने एक ब्रेड से ही इतना सारा आपके सामने दिखाया है। और छोटी फैमिली हो या आने वाले मेहमानों के लिए बहुत रहता है इतने से, और घर में गेहूं होता ही है और ब्रेड भी कई बार बच जाती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कम सामान में कितना ज्यादा सामान आप बना सकते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों। तो यहाँ मैंने सारी चीजों को मिला लिया है, तो इधर हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, तो थोड़ा सा तेल गर्म करना मैं भूल गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं फटाफट से। रीना जी जुड़ी हैं, हेलो आपको भी। समीता जी सॉरी, राधे राधे आप भुवनेश्वर से हैं, हाँ मैंने आपको पहले भी देखा था तो आप अच्छा उड़ीसा में। तो रेखा जी गाजियाबाद से हैं, ना जी आप कहाँ से हैं? और तो चलिए रेखा जी ने नाइस लिखा है और हमारे साथ में, और किसी का भी कमेंट नहीं आया है जैसे। चलिए अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है, इसको मैं एक साइड में रख लेती हूँ, अभी मैं दिखाती जाऊंगी, इससे ही हमें काम करना है। और यहाँ मैं पैन रख ले रही हूँ, तो यहाँ पे हम सैलो फ्राई करेंगे दोस्तों। आप चाहे तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं, आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है, पर इसको आप मीडियम से में सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच पे नहीं सेकना है। घी गर्म हो जाए जब ही डालना है, नहीं तो ये आपका फट जाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो। नीरू जी, सरस्वती जी हाय हेलो, राधे राधे। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है और हमें अब क्या करना है, तो आपने देखा आज मैंने हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया है इस तरह से आप जैसे कह रहे हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ हमें 2 चम्मच लेनी है, तो यहाँ पे इसको हमें छोटे छोटे से इस तरह से करना है जैसे कि आप देख रहे हैं। 1 चम्मच से मैंने इसको, आप गर्मा गर्म बना सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद में। तो संजू जी जुड़ी हैं बहुत दिनों बाद, राधे राधे। और अनु जी राधे राधे, आप दिल्ली से हैं, थैंक यू। तो यहाँ पे बस अब मेरा घी गर्म हो चुका है, तो इसे मीडियम पे करना है और इसको मैं जैसे डाल रही हूँ आप देखते जाइएगा। डालने के बाद में 1 चम्मच से, आपका मन है तो गोल गोल कर सकते हैं, पर इसे हमें गोल गोल नहीं करना है, और इस तरह से करके छोटा छोटा पतला सा एक टिक्की की शेप दे देनी है। और इससे बस अब गैस को आप मीडियम ही रखेंगे, ज्यादा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो तेज करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही आसान और जल्दी से, ऐसे ही मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे तो मैंने फटाफट से इस तरह से तैयार करा था। और शाम को मैं एक और मजेदार रेसिपी लेके आऊंगी दोस्तों,
वो जरूर देखिएगा, बिल्कुल नई है वो। एक मैं पॉकेट बनाना सिखाऊंगी उसमें, मतलब अलग ही टाइप का है, उसमें समोसा भी है, कचौड़ी भी है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है जो मैं शाम को लेने लेकर आ रही हूँ। जब ही मैं ब्रेड लाई थी, पर मैंने कहा चलिए पहले मैं आपको ये जो मैंने बनाई थी ये भी मैं सिखा देती हूँ। और इसको डालने के बाद बस हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक साथ में आपके कई सारे आ जाते हैं, बस एक जो छोटी चम्मच है मैं इसी से डाल रही हूँ, आप देख रहे होंगे। और हल्का सा बस तेल इस तरह से लगाना है, उसको प्रेस कर देना है। तेल इसलिए लगाना है जिससे कि चुपके नहीं और इसे हम फैला लेंगे। तो आप देख रहे होंगे बिना हाथ में घोले हमने आज बना रहे हैं नाश्ता, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनता है, क्योंकि इसमें हेल्दी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि गेहूं से बनाया है हमने। और गेहूं है इसमें, मटर है, सब्जियां हैं, धनिया है, प्याज है। और इसे दो चम्मच से ऐसे बस कर देंगे हल्का सा, तो ये वो नहीं होता। यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से बस। अगर जहाँ मैंने चावल का आटा डाला है, आप सूजी भी डाल सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सूजी नहीं डालें, तो सूजी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ये हल्का सा ऐसे लग रहा है कि हमारा ये खिला है, तो बस इसलिए मैं कही थी प्रेस जब भी करें चम्मच से इस तरह से करके इस तरह से करें। तो मैं एक एक टिप्स बताती हूँ, बनाते समय पूरी ध्यान से बताती हूँ। लाइफ में दोस्तों काम करना आप सबको पता है, जो बनता है वो आपके सामने होता है, इसमें हमने कुछ गलत बताया तो वो आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ पे आकाश गुप्ता जी का एक वो आ रहा है। संजू जी आप बताइए आपको कैसा लगा। सुनीता जी अच्छा, तो यहाँ पे और तो मुझे किसी का नाम नहीं दिख रहा। चलिए अब ये नीचे से सिक जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं इसको पलट के दिखाती हूँ कैसा लगता है ये सिकने के बाद में। इसे आप एक कांटे से पलट सकते हैं। और तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें करना है। इसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिएगा दोस्तों, हल्की सी हल्दी जरूर डालिएगा, नहीं तो क्या होता है कई बार इसमें कलर नहीं आता है, इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा हल्दी जरूर डालनी है, जिससे कि इसमें कलर आता है और अच्छा से बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे आप तवे पे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे सैलो फ्राई कर रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं। और बहुत मेहनत करके दोस्तों हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी बनाएं अच्छा बने और आप सबको पसंद आए। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने आपके सामने ही जो भी काम करती हूँ आपके सामने ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि हमने अलग साइड से काम कर रहे हैं, जो भी बनाया है आपके सामने बनाया है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है क्योंकि इसमें चावल का आटा है इसलिए। और इसमें तिल डालें, तिल से बहुत देखने में भी अच्छा लगता है। ज्योति जी जुड़ी हैं आज बहुत दिनों बाद, हसीना जी आई हैं बाद में आती हैं, तो थैंक यू हसीना जी। तो आप गुजरात से हैं, मुझे आपका याद हो गया, आप गुजरात से हैं, क्योंकि एक दो के नाम याद हो जाते हैं मुझे, क्योंकि आपका हमेशा पिक्चर देखती हूँ मैं। और संजू जी ने यह लिखा है रॉय, एक बार नाम चला गया क्या था उनका, क्योंकि नाम हाथ लगते ही आप सबको पता है दोस्तों नाम भाग जाते हैं, नहीं तो मेरी कोशिश रहती है किसी का नाम रह ना जाए। चलिए मैं चेक करती हूँ। और इसी तरह से हमें सीखना है जैसे आप देख रहे हैं, और बस इसे आप चटनी सॉस किसी के संग खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। और कुरकुरा तो बहुत ज़्यादा होता ही है, तो एक बार आप बनाएंगे ट्राई करेंगे जब ही आपको पता लगेगा, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। रिया जी का नाम आया था, वो भाग गया सॉरी, क्योंकि मेरे को दिख रहा था वो रिया, कई बार नाम नहीं दिखते हैं। बस अब हमें इनको निकाल लेंगे, बस आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जयराज जी भी बहुत दिनों बाद आई है, राधे राधे। और बस थोड़ी देर ठंडा हो जाता है ना हल्का सा, तब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से जितना सेकना चाहते हैं उतना सेक सकते हैं। तो यहाँ एक मैं टिश्यू पेपर में निकाल लेती हूँ। हसीना जी से हूँ, हाँ जी मैं आपका याद है, आप गुजरात से हैं, क्योंकि मैं आपका ध्यान से देखती हूँ हमेशा कि आप गुजरात से हैं। और मीना जी चलिए मैं प्लेट में सर्व करके दिखा रही हूँ, मैं इधर ही आई हूँ। जयराज जी भी बहुत बिजी रहती हैं, तो आज ये भी बहुत दिनों बाद आई है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पुराने मेंबर कभी कभी आते हैं, तो
मैं बस आपको दिखा रही हूँ सर्व करके। इसे चटनी सॉस आपके पास जो भी हो उसे खा सकते हैं। यहाँ मेरे पास नहीं है इस टाइम पे, सॉस तो होती है पर चटनी नहीं है। चटनी हर बार नहीं बनाई जाती है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है। चलिए इसमें कोई आपको यहाँ पे दोस्तों आपको इतना कुछ भी नहीं करना है कि इसमें गोल टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बने सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ मंजू कपूर जी आ चुकी हैं, राधे राधे। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ, तो आवाज सुन सकते हैं जैसे जैसे ठंडा होगा मैं आवाज आपको सुना रही हूँ उतना ज्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो ये किनारे आप देख रहे होंगे इस तरह से, और इसे मीडियम से मतलब बहुत ज्यादा हाई पे नहीं सेकेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सेकेगा, कच्चा रह जाएगा। अंदर से इसे सॉफ्ट होते ही आप सबको पता है, कोई ऐसी नहीं है कि हम छुपा के कुछ कह रहे हैं। ऊपर से क्रिस्पी लगता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। तो यहाँ आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। शाम को बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल नया है, अभी देखा नहीं होगा कहीं भी, तो मैं बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए काजी अम्मी थैंक यू। चलिए फिर मैं, अच्छा नाइसी अम्मी और काजी ने लिखा, चलिए बाय बाय थैंक यू। शाम को हम 6 बजे आएंगे तो जरूर जुड़िएगा। बाय बाय।